हम आपको हम भेज देते हैं। आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं डीएम साहब? नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच कैमरे के सामने तेजस्वी यादव फोन पर जिससे बात कर रहे हैं वो हैं पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह। फोन पर डीएम साहब ने पहले तो अपने ब्यूरोक्रेटिक ध्वज जमाने की पूरी कोशिश की, मगर जैसे ही उन्हें पता चला कि फोन पर दूसरी ओर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, उनके सुर बदल गए। दरअसल ये पूरा मामला शिक्षा अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज का है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि जेपी आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाली पटना की इस पावन भूमि पर उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से धरने का अधिकार भी नहीं मिल रहा है। आए दिन उन पर लाठी चार्ज होता है, जो इस बात को दर्शाता है कि सरकार कैसे तानाशाही रवैया अख्तियार किए हुए हैं। इस बीच बुधवार को तेजस्वी यादव लाठी चार्ज के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों के हमदर्द बनकर उनके बीच पहुंच गए और उन्हें शांतिपूर्ण धरना करने के उनके लोकतांत्रिक अधिकार दिलाने के लिए तेजस्वी ने पटना के डीएम को फोन घुमा दिया। फिर देखिए क्या हुआ। अरे ये शिक्षक वाले सब लोग आंदोलन कर रहे थे वहाँ गर्दनी बाग में, इन लोगों का कोई परमिशन ले नहीं रहा, इन लोगों को धरने के लिए कोई रिसीव नहीं कर रहा है। वहाँ तो राइट अच्छा। है ना इन लोगों को धरने के लिए? अच्छा, मैंने विभाग से नहीं कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है? मैंने विभाग से नहीं, यहाँ तो आप लोगों के जो अधिकारी होते हैं इंटीमेट करना पड़ता है ना धरने के लिए, प्रदर्शन के लिए। आप क्या कहा जा रहा है कि नियम थोड़ा बदलाव कि हर दिन का परमिशन मिलेगा, अनिश्चितकाल नहीं मिलेगा? अच्छा, तो हम चेक करा लेते हैं ये लोग कब का। नहीं नहीं, आप यहाँ सब अभ्यर्थी लाठी चार्ज हुआ होगा, आपको जानकारी में होगा ही। अभी भी लाठी चार्ज वहाँ चल ही रहा, कल रात में भी लाठी चार्ज हुआ गर्दनी बाग स्टेडियम में, सब लोग था खाने पीने का, इन लोगों का जो सामान था उठा करके फेंक दिया गया। अभी सब लोग इको पार्क में, कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग इधर उधर हैं। तो इन लोगों का खाली यही है कि एक जगह ये लोग चाहते हैं बैठ करके, कम से कम जो इनका डेमोक्रेटिक राइट है वहाँ धरना दें। तो इसमें हम आपको व्हाट्सअप करा देते हैं इनके एप्लीकेशन, आप अलाउ कीजिए, हम लोग तो यही खड़े हैं इको पार्क में। अच्छा, हम देख लेते हैं, भेज दें, हम दिखवा लेते हैं। नहीं नहीं, कब तक बताइएगा? अरे भेजिए ना पहले, कब तक होते अभी हिसाब लीजिएगा हमसे। हम आपको हम भेज देते हैं। भेजिए नहीं तो सर जो है हिसाब ले रहे हैं, कब तक बताइएगा? आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं डीएम साहब? आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के हस्तक्षेप के बाद अभ्यर्थियों को गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन करने की इजाजत मिल गई। बाद में तेजस्वी यादव ने उनके साथ 3 किलोमीटर लंबे मार्च का भी नेतृत्व किया। तेजस्वी ने इस बारे में ट्वीट भी किया, उन्होंने लिखा, वादानुसार आज प्रशासन ने गर्दनी बाग धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों को इजाजत नहीं दी, जिसके चलते सभी अभ्यर्थी टिकट लेकर इको पार्क पहुंच गए। शाम को वहां पहुंचा और मुख्य सचिव, डीजीपी और डीएम से बात कर इजाजत मिलने के बाद रात में पैदल मार्च कर उन्हें दोबारा धरना स्थल पर पहुंचा कर आया। आपको बता दें टीआईटी पास से अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक नियुक्ति पत्र देने की मांग कर रहे हैं और उसके समर्थन में पटना में आंदोलन कर रहे हैं। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा और कहा कि वो इस मामले को विधानसभा में भी उठाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।